हाँ, तो हमने लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया था इंग्लिश का, फर्स्ट चैप्टर, ओके, अ लेटर टू गॉड। स्टोरी में अब तक क्या था कि उनका वो मस्त हिल स्टेशन है पूरा, ओके, सो टॉप ऑफ द हिल जिसको हमने नाम दिया था क्रेस्ट, वेरी गुड। तो वहां पर उसका घर है और पूरी वैली में एक ही अकेला घर है उसका। उसके घर से पूरी मतलब नदी बह रही है, रिवर फ्लोइंग है, वो दिख रहा है, उसकी फील्ड दिख रही है, कॉर्न की फील्ड जो उसकी है, मक्के की, भुट्टे की, ओके, वो उसको दिख रही है, सब कुछ सही सही चल रहा था। सिर्फ एक चीज की ही कमी थी, क्या, बारिश की, ओके, और डाउनपोर, यस, वेरी गुड। तो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सुबह से ऐसे देख रहा था कि कब आएंगे बारिश बारिश, और फिर उसे पता, उसे दिख गए माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, ओके, सो वो खुश हो गया कि भाई मजा आ जाएगी एंड ऑल। फिर सफर के लिए उसकी वाइफ ने बुलाया, बड़े लोग उसको हेल्प कर, बड़े बच्चे उनको, पेरेंट्स को हेल्प कर रहे थे और छोटे बच्चे खेल रहे थे, ओके, फिर बुलाया सफर के लिए, मतलब डिनर के लिए, सब चल रहा था, अचानक से बारिश शुरू हो गई, तो वो बाहर गए और उसको फील किया, रेन को फील किया अपनी बॉडी पे, किसने, लेंचो ने, ओके, फील किया और फिर अच्छे से बोला कि यार ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये क्या है, कॉइन्स है, ओके, फिर खाना खा रहे थे और फिर अचानक से हेल स्टोन्स गिरने लगे, ओके, हाँ, सो वो जब विंड स्पीड फास्ट हो गई और हेल स्टोन गिरने लगे तो बोले ये तो सिल्वर कॉइन है, साथ साथ में सिल्वर कॉइन भी गिर रहा है। लेकिन फिर बहुत देर तक वो चलता रहा तो वो टेंशन में आ गए कि ये जल्द से जल्द बंद होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी, वो डर रहा था। और फिर एक्चुअल में वो एक घंटे तक चलता ही रहा और वो बंद हुआ नहीं, क्या, हेल स्टोन, बर्फबारी बंद नहीं हुई, ओके, और पूरा का पूरा सब कुछ, गार्डन, फील्ड, पूरी वैली, सब कुछ, उसका घर, सब कुछ जैसे के स्नो से, हाँ, यस, ओके, जैसे नमक होता है, ओके, ओशन के पास, वैसे ही पूरा स्नो कवर्ड हो गया, ओके, सो वो पूरी ग्लॉसरी और सब कुछ तुम्हें याद रखना है, मैंने बोला था नोट्स बनाना शुरू कर दो, अभी भी नहीं किया हो तो, हाँ, तो कहने का मीनिंग है कि वो देखा और अब वो ऑब्वियसली निराश हो गया, वो सैड है, उस नाइट भी व्हाट सैड रहा अपने बच्चों को, वो उसने उसके साथ कंपेयर भी किया लोकस्ट के साथ कि भाई इससे ज़्यादा अच्छा तो जब अगर वो प्लेग ऑफ लोकस्ट आते तो भी इससे कम नुकसान करते, ये तो कुछ रहा ही नहीं है, इस साल हम भूखमरी से मर जाने वाले हैं, लाइक दैट, ओके, यहाँ तक हमने देखा था। चलो आगे देखते हैं स्टोरी में, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. तो क्या बोल रहे हैं कि सबके हार्ट में, सबके दिल में, सबके हृदय में कौन था, क्या था, who lived, मतलब सब, मतलब कौन, जो लोग वहां रह रहे थे, मतलब उनके घर के फैमिली मेंबर्स की बात कर रहे हैं, सॉलिटरी, सॉलिट्यूड मतलब क्या, अकेला, ओके, तो पूरी की पूरी वैली में सॉलिट्यूड मतलब क्या, अकेला, और सॉलिटरी मतलब वो अकेले ही थे, पूरी वैली में उनका अकेला ही घर था, सो सॉलिटरी हाउस इन दी, मतलब अकेला घर इन दी मिडल ऑफ दी वैली, पूरी की वैली जो खाई है उसमें सिर्फ एक अकेला घर था, और सबके हार्ट में एक होप तो बची हुई थी, कौन सी होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान हेल्प करेंगे, बोलते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ओके, चलो, सो डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर्स, तो देखो वापस वो अब होप आई तो देखो बोल रहे हैं कि अरे ये लग रहा है कि सब कुछ खो दिया तुमने, क्या लग रहा है, सब कुछ खो दिया है, सब कुछ चला गया है, कुछ बाकी ही नहीं रहा, टोटल लॉस मतलब सब कुछ खो दिया, ओके, सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, सो देखो क्या बोल रहे हैं, सीम्स लाइक अ टोटल लॉस मतलब कि सीम्स मतलब दिखना कि ये ऐसे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, टोटल लॉस जैसा दिख रहा है, मतलब सब कुछ ही हमारा लॉस हो गया है, फिर भी याद रखना, ये देखो मैंने सेंटेंस को मार्क किया हुआ है, क्यों मार्क किया हुआ है, ये डे टू डे लाइफ में भी तुम्हें बहुत यूजफुल होगा और कोई आंसर्स में भी तुम लिख सकते हो, जब भी ऐसा लगे ये टोटल लॉस, अरे यार चिराग सर ने तो एक वीक पहले बोला था गोल बनाना और अभी तो मतलब दो दिन पहले बोला था, दो दिन से हमने कुछ किया नहीं, दो दिन तो वेस्ट हो गए, कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसा लगे कि यार लॉस हो गया, फिर भी क्या, एक बात याद रखो, यहाँ पे तो नो वन डाइज ऑफ हंगर ऐसा बोला है, हमें क्या याद रखना है कि इट इज पॉसिबल, गॉड इज विथ अस, ओके, अभी भी चालू करेंगे तो अभी भी हो जाएगा, देखो मैं तुम्हें लास्ट
बोर्ड की एग्जाम दोगे तब तक मोटिवेट करता रहूंगा मैं। जैसे अभी तुमने बोला, मैंने तुम्हें बताया कि अभी मैंने बोला तुम्हें डिस्ट्रिक्ट टॉप करने का, जनवरी में भी मैं तुम्हें बोलने ही वाला हूँ डिस्ट्रिक्ट टॉप करने का। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा तुम्हें नहीं होगा, मैं क्यों बोलूँ भाई, मैं तो चाहूंगा ना कि तुम लोग टॉप करो, ओके। बट तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि टॉप करने के लिए कितनी मेहनत चाहिए और वो मेहनत करने के लिए कितना टाइम चाहिए। तो कैलकुलेटेड माइंड में रख कर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ठीक है, ओके। सो ये बोल रहे हैं कि जब भी ऐसा लगे कि टोटल लॉस हो गया है, फिर भी एक होप तो हमेशा ही हमें इनके जैसे रखनी है, फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का याद ही रखना, हेल्प फ्रॉम गॉड, ओके। सो रिमेम्बर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। बोलते हैं ना कि यार भगवान इतने कृपालु है कि सबको दुनिया में जिसको जीने के लिए जो चाहिए वो सब कुछ मिल ही जाता है। ये जो भी हमें टेंशन होता है, और हमें इन द सेंस पेरेंट्स को जो टेंशन होता है या फिर स्ट्रेस होता है कि और कम पैसे कमाने हैं, ये वो सब क्या है, वो सब नीड्स नहीं है हमारी। नीड्स तो भगवान पूरी कर ही देते हैं, सबको रोटी तो दे ही देते हैं, रोटी के ऊपर जो जैम और बटर लगाना है ना उसके लिए ये टेंशन होता है, जो पिज्जा खाना है उसके लिए टेंशन होता है, दाल चावल रोटी सब्जी तो भगवान दे ही देते हैं। वो एक फ्रेज है गुजराती में, कीड़ी ने कण ने हाथी ने मण, मतलब एक चींटी है उसको जो एक पार्टिकल एक कण चाहिए होता है वो भी भगवान उसको दे देते हैं, और हाथी होता है उसको मण चाहिए होता है, मण मतलब 20 kgs, तो एक हाथी को खाने के लिए कितना खाना चाहिए, 20 kgs, वो भी भगवान उसको दे देते हैं। और बड़े बड़े जो एनिमल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े महाकाय जैसे व्हेल एंड ऑल, और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, उनको उतना सारा नॉनवेज भी दे देते हैं, 10 kg, 20 kg, 50 kg नॉनवेज उनको खाने के लिए इतना चाहिए। लायन को देखो, नॉनवेज ही चाहिए, वो थोड़ी घास खाएगा, ओके, उसको वो भी दे देते हैं भगवान। लेकिन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस कहाँ आती है, हम हमारी जो नीड है उससे ज्यादा चाहिए हमें, खाना चाहिए वो तो मिलने ही वाला है, लेकिन पर्टिकुलर टाइप ऑफ खाना चाहिए, उसमें ये चाहिए वो चाहिए, उसके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो इसीलिए ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखमरी से वैसे मरता नहीं है, सबको मिल ही जाता है, ओके, भगवान सबकी हेल्प करते हैं। बट फिर हम इसीलिए डिजायर रखो, लेकिन फालतू की डिजायर रखेंगे, हम ऐसे डिजायर रखें कि भाई मुझे डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है, वेरी गुड डिजायर रखो ऐसे, और उसके लिए नेचर तुम्हें हेल्प करेगी। लेकिन फिर हम उल्टी डिजायर रखें, वहां पर भी नेचर हेल्प करेगी, नेचर का काम तो हेल्प करना ही है, लेकिन हमने उल्टी डिजायर रखी तो नेचर वहां हेल्प करेगी और फिर हम कहीं और पहुंच जाएंगे। तुम्हें पहुंचना था मुंबई और तुमने बोला नहीं नहीं सूरत में एक मस्त होटल है वहाँ खाएंगे रहेंगे, एक वाटर पार्क है वहाँ नहाने जाएंगे, ये वो, भाई तुम्हारी वहाँ फ्लाइट पकड़नी थी, मुंबई में छूट जाएगी, क्योंकि बीच में तुमने दूसरी सारी फालतू वाली डिज़ायर रखी, वो डिज़ायर नहीं रखनी थी, और चलो डिज़ायर आ भी गई तो वो पूरी होगी ही नहीं, ऐसा ही अंदर एक्सेप्ट कर लो, तो वो पूरी करनी भी नहीं है मुझे, भले ही डिज़ायर आ गई ये तो फालतू की है, नहीं मुझे नहीं करनी आगे से, और ये जो आ गई वो आ गई, मुझे उसको पूरी ही नहीं करनी, वो पूरी ना हो वही अच्छा है, ओके। सो ये बात है, ओके, चलो, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ऐसा ही लोग बोलते हैं, क्या, कि हंगर से कोई भी मरता नहीं है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वन्स कॉन्सियसनेस, ओके, और से वन कॉन्साइंस, मतलब कहने क्या चाह रहे हैं कि पूरी की पूरी रात लेंचो सिर्फ एक ही बारे में सोचता रहा, एक ही बात के बारे में सोचता रहा, भगवान की तरफ से जो हेल्प है वो, क्यों, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र है, सब जगह है, उनको तो सब कुछ पता है, ओके, 24 घंटे ऑनलाइन, ओके, 365 डेज, तुम कुछ भी करो वो CCTV कैमरा तो चालू ही है, ओके, उनको पता चल जाएगा। तो वो बोल रहे हैं, यही कहने का मीनिंग वही है, भले ही हम ये हमारी डे टू डे लाइफ वाली लैंग्वेज में बोले, लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, हुज आईज, मतलब जो सब कुछ देखते हैं, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, मतलब कि उनकी वो तो सब कुछ ही देखते हैं, ओके, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है,
इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, मतलब सिर्फ कोई सोच रहा है, बाहर तो दिख नहीं रहा है, हम सोचेंगे कि जैसे कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोच रहा हूँ। ओके, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ? तो मैं सोच रहा हूँ ना। ओके, हाँ, लेकिन तुम्हारे बारे में सोच के मैं कुछ यहाँ पर कर रहा हूँ, वो तुम्हें पता चल जाएगा क्योंकि एक्शन में आ गया ना। लेकिन सिर्फ सोच रहा हूँ तो नहीं पता चलेगा। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, गॉड के लिए तो जो सोच रहे हो वो भी पता है, तुम क्या सोच रहे हो वो भी गॉड को पता है। ओके, सो कॉन्साइंस एंड इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, अंदर की जो सेंस होती है, अंदर की जो फीलिंग होती है, बोलते हैं ना अंतरात्मा की आवाज, वो जो होती है वो तो हमें पता ही है, मतलब गॉड को पता है कि तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज क्या है, तुम्हारे थॉट्स क्या है। गॉड के लिए कुछ भी ऐसा चीज है नहीं, उनके लिए तो सब कुछ ओपन ही है। तो गॉड है, उनके लिए सब कुछ ओपन है, उनके लिए तो हम क्या है कैसे है सब कुछ पता है। ओके, तो यहां पर वो हेल्प के बारे में सोच रहे थे, कौन? लेंचो। हाँ, सो लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ओके, मतलब क्या बोल रहे हैं, ऑक्स मतलब क्या, बुल, सांड। ओके, ये क्या बात हुई, ये क्या बोल रहे हैं, वो सांड थोड़ी था। तो डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं करना है, मीनिंग निकालना है। क्या बोल रहे हैं, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब क्या कि जैसे कि बुल होता है वो खेत में बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा। अभी तो ट्रैक्टर और वो सब आ गया है, पहले के टाइम पे थोड़ी ऐसा था। तो बुल बहुत मेहनत करता है। ओके, मतलब फार्मर बुल के पास मेहनत करवाता है। तो यहाँ पे मेहनत से कंपेयर, उसके हार्डवर्क को कंपेयर किया गया है कि बहुत ही मेहनतू है, कौन? लेंचो। ओके, जैसे कि हम नहीं ऐसे ऐसे बात बात में बोलते थे, अरे यार कुत्ते की तरह सुबह से काम कर रहा हूँ फिर भी नहीं मिल रहा है, ऐसे तो हम अपने आप को कुत्ता नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा दौड़ भाग करके काम कर रहा हूँ। या कोई कुत्ता बोले, कोई बोले गधे की तरह काम कर रहा हूँ, ये कर दो तो वो कर रहा हूँ, ये कर दो वो कर रहा हूँ फिर भी कुछ मिल ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं बोलते कोई लोग, कुत्ते की तरह काम कर रहे, गधे की तरह काम कर रहे। तो वो खुद को कुत्ता या गधा नहीं बोल रहे, वो कहने का मीनिंग है उनका बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे है। ओके, बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पर भी वही बोलना चाह रहे, उसको सांड नहीं बोल रहे हम। ओके, लेकिन जो सांड जो मेहनत करता है, ओके भाई गधा बोलो, व्हाटएवर, गधा बोलो, सांड बोलो, कुत्ता बोलो, सबके अंदर गुड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना। तो हम वो गुड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं कि ये जो ऑक्स, ये जो बुल बहुत ज्यादा काम करता है, वैसे ही ये फार्मर, ये लेंचो बहुत मेहनती है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब आलसी टाइप और वैसे ही वाला, मतलब ऐसे ही नॉर्मल फार्मर ही है, नहीं, बहुत मेहनतू फार्मर है, मेहनत करके अपने घर को चला रहा है। ओके, सो कहाँ गया, ये रहा, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। देखा, बोला ना, एनिमल के जैसे काम करता है फील्ड्स में, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। तो कहने का मीनिंग क्या है कि भले ही ये बहुत ज्यादा एनिमल के जैसे, बहुत हार्ड वर्किंग है ये वो, दैट अगेन डज नॉट मीन कि जैसे कि भाई वो लोग एनिमल तो इलिटरेट होते हैं, लेकिन और पहले के टाइम पे हमारे फार्मर और वो भी बहुत ज्यादा पढ़ते लिखते नहीं थे, लेकिन ये हमारा लेंचो, उसको पढ़ना लिखना भी आता है, वो राइट, वो लिख भी सकता है, बोल रहे हैं ही कैन राइट। ओके, द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, देखो याद रखना, वो जब भी लेटर लिखता है तो कब लिखता है, संडे को। ओके, वो तो याद रख लेना। सो द फॉलोइंग संडे, मतलब जो आने वाला संडे है उसमें क्या हुआ, एट डे ब्रेक, मतलब दिन का ब्रेक, ब्रेक मतलब लंच टाइम। ओके, He began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. Okay, मतलब क्या, संडे को आफ्टरनून में उसने खुद लेटर लिखना स्टार्ट किया और खुद गया सिटी में और मेल बॉक्स में, वो रेड डब्बा होता था ना, आज की डेट में भी होता है लेकिन बहुत कम होता है। ओके, अब तो डायरेक्टली हम ऑफिस में ही दे देते हैं, नहीं तो पहले तो हम अपने आसपास रेड डब्बे में डाल देते थे, पोस्टमैन आता था रोज रेड डब्बे में से ऐसे निकालता था और फिर ले जाता था। ओके, सो गया और वो मेल बॉक्स बोलते हैं उसे, तो वहां पर डालने के लिए गया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कौन सा लेटर था, कुछ भी नहीं, एक लेटर टू गॉड था, भगवान को लेटर लिख दिया है। देखो उसने लिखा, देखो क्या लिखा उसने, ऐसा क्वेश्चन, क्या लिखा था उसने, तो ये लिखा था, गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, भगवान अब सिर्फ आप ही है, ओके भाई हम खत्म, हमसे जो बन सका वो हमने किया, नहीं बोलते हम ऐसे, हर हर महादेव, ऐसे तो मतलब खत्म भाई, हमारे हमारे अंदर ताकत नहीं है, हमारे अंदर हम बस इतना ही कर सकते हैं, आप जो करोगे वो ठीक है, लाइक ओके, पूरा सरेंडर कर दिया। सरेंडर करोगे तभी हेल्प मिलेगी ना।
ओके अगर तुम बोल रहे हो नहीं मैं कर सकता हूँ, तो भगवान बोलेंगे ठीक है करो। तुम बोलोगे मैं कर सकता हूँ, तो भगवान बोलेंगे ठीक है करो। सरेंडर करोगे तब जाके भगवान हेल्प करेंगे। जब तुम बोल दोगे कि हाँ अब हम नहीं कर सकते, तो भगवान हेल्प करेंगे। क्यों? मैं कर सकता हूँ ना, वो ईगो है, तो वो ईगो नहीं होना चाहिए। ओके मैं कर सकता हूँ, ये ईगो आया तो भगवान कहा ठीक है देखते हैं कितना करते हैं। और फिर लास्ट में पूरी जिंदगी कोई ऐसा बोले ना पूरी जिंदगी आई डोंट बिलीव इन गॉड, फिर लास्ट में भगवान आप ही संभालो, डायबिटीज हो गई है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक ये वो, पूरी जिंदगी बोला आई डोंट बिलीव इन गॉड, उसको भी देर सवेर सब कुछ पता चल ही जाता है कि नहीं भाई भगवान के अलावा और कोई सहारा है नहीं। ओके देखो महाभारत में वही तो हो रहा है, सब लोग ऐसे वो जुआ खेला एंड ऑल, सब हार गए प्रॉपर्टी, और फिर द्रौपदी जी को भी हार गए जब पांडव। ओके तो द्रौपदी जी ने किस किस का नाम लिया? अरे भाई मेरे पतिदेव, पांच पांच पतिदेव, पांच पतिदेव को बोला। अरे पांच पतिदेव में कौन कौन है? धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, पांच। देखो पांच कैसे धुरंधर, फिर उनसे हेल्प भी नहीं मिली। द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने ये सब जितने भी बैठे हैं सबको उन्होंने सिखाया है। ओके मतलब शस्त्र चलाना उन्होंने सिखाया द्रोणाचार्य। भीष्म पितामह, वो अकेले ही काफी है सब कुछ खत्म करने के लिए, उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो चाहे तब उनकी मृत्यु होगी। सोचो वो क्या नहीं कर सकते, उनसे भी मांगा भाई हेल्प करो हेल्प करो हेल्प करो, वो सब कर सकते। धृतराष्ट्र को बोला जो वहां के किंग थे उस टाइम पर, ओके वो भी हेल्प नहीं कर पाए। जब सब कुछ सबको बोला कि हेल्प कर दो हेल्प कर दो, कुछ भी हेल्प नहीं मिली, अपने पति से भी हेल्प नहीं मिली, तब जाके लास्ट में हे द्वारकाधीश बचा लो, भगवान तुरंत आ गए, धर वस्त्र रूप आ गए, वस्त्र रूप धारण करके आ गए और उनकी लाश बचा ली। लास्ट में याद किया भगवान, एक पर्टिकुलर, ये तो चलो हम फिर और जगह चले जाएंगे, एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट है। ओके बहुत सालों बाद महाभारत हो गया, उसके बहुत सालों बाद उद्धव जी ऐसे पूछ रहे थे कृष्ण जी को, यार आप ऐसे लास्ट में क्यों एंट्री मारते हो हीरो की तरह? बोलते हीरो की तरह नहीं, वो लोग ऐसे मेरे पति संभाल लेंगे, ये संभाल लेंगे, वो संभाल लेंगे, पहले याद किया होता तो मैं तो वहीं था। द्वारकाधीश बोला तो द्वारका से मुझे वहां जाने में टाइम नहीं लगता, मैं तो हर जगह हूं। ओके मुझे ऐसे चल के या रथ पकड़ के नहीं जाना है, मैं तो हर जगह हूं, लेकिन तुमने याद कब किया? लास्ट में, तो फिर मैं लास्ट में ही आऊंगा ना, पहले याद किया होता तो ये सब होता ही नहीं, ये होता ही नहीं सब कुछ। बाद में बोला था शकुनी को, तुम चाहो वो वैसे तुम वो डाइस बना के ले आओ, और मैं अगर हार गया ना तो तुम जो बोलोगे पूरे पांडव सब कुछ तुम्हारा, सब कुछ ले लो, मैं हार गया तो चलो एक बाजी और खेलते हैं। नहीं अब नहीं खेलना है, क्यों? टक्कर के आ गए ना, कुछ होगा ही नहीं, उनके सामने चीटिंग भी नहीं कर सकते, तो सरेंडर। तो लेंचो ने सरेंडर कर दिया, ओ अब कुछ हो सकता नहीं, नहीं सो सिर्फ आप ही है। हाँ, I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. तो क्या बोल रहे हैं? मुझे 100 pesos चाहिए। क्यों चाहिए 100 pesos? In order to sow my field again. फिर से मुझे बीज डालने पड़ेंगे, तो बीज डालने के लिए बीज खरीदने पड़ेंगे, तो वो बीज के लिए, वो पूरी एक्टिविटी के लिए, ओके फार्मिंग एक्टिविटी, और फार्मिंग एक्टिविटी तो सपोज हम नहीं SST में पढ़ते, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, तो सीजन आएगी तब करोगे ना, अभी मैं डाल दूं ग्रेप्स तो ग्रेप्स थोड़ी हो जाएगी। ओके उसको टाइम लगेगा, उसका सीजन आएगा, हर प्लांट के सीजन होता है तभी उसमें फ्लावर आते हैं। ओके तो तब तक तो मुझे सर्वाइव करना है, तब तक हम लोगों को खाना खाना है, पैसे तो चाहिए, इसीलिए पैसे मांगे थे। एंड टू लिव अनटिल, जीने के लिए, अनटिल कब तक? द क्रॉप कम्स, जब क्रॉप्स आ जाएंगे तब तक जीने के लिए। Because the hail storms dot dot dot, मतलब यहाँ पे हमें बता रहे हैं dot dot dot, मतलब समझ जाओ जो उसके साथ हुआ पूरी स्टोरी उसने लेटर में लिखी थी, ऐसे उसने सही में लिखी थी, लेकिन अब फिर से लिखने की क्या जरूरत है, हमें तो पता ही है ना क्या हुआ।
ओके सो डॉट 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 के हे स्टॉर्म की वजह से ही वो ये हुई है, सब कुछ भगवान को बोल दिया। और पैसोस मतलब मैंने जैसे पहले तुम्हें बताया करेंसी ऑफ सेवरल लेटिन अमेरिकन कंट्रीज। तो जो लेटिन अमेरिकन कंट्रीज है अमेरिका मतलब वहां पूरे कॉन्टिनेंट में जो भी कंट्रीज है लेटिन अमेरिकन कंट्रीज वहां पर ये करेंसी यूज होती थी, अभी नहीं थी, पैसोस। ओके अंडरस्टूड। ओके चलो ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलोप पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन। मतलब उसने एनवेलोप पे क्या लिख दिया, टू गॉड, और क्या लिखेंगे एड्रेस क्या लिखेंगे तो टू गॉड खत्म, टेम्पल का एड्रेस लिखा तो टेम्पल पे चला जाएगा लेटर। ओके सो टू गॉड, ओके और पीछे खुद का एड्रेस एंड देन बस और कुछ लिखना भी नहीं है। स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वो टेंशन में ही है, ट्रबल में ही है। वेंट टू द टाउन, फिर से चला गया एट द पोस्ट ऑफ, ये सब कुछ लिखा ओके और फिर वेंट टू द टाउन मतलब पोस्ट करने के लिए चला गया। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. भाई post office से stamp लिया, stamp लगाया, ticket लगानी होगी, ticket लगाया और mailbox में डाल दिया। Done? Okay. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to the god. तो पूरे post office में से जो एक employee है, जो पहले पोस्टमैन था, पहले था वॉज, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो पहले पोस्टमैन भी था, अभी पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय, उसमें भी ऐसी कैटेगरी होती है, पहले पोस्टमैन, फिर तुम ऑफिस में काम कर रहे हो, फिर पोस्ट ऑफिस के मैनेजर बन गए, ओके लाइक दैट। तो पहले एकदम लो लेवल पे काम करना है, पोस्टमैन मतलब यहाँ जाओ वहाँ जाओ, फील्ड वर्क, फिर धीरे धीरे ऑफिस वर्क, फिर ऑफिस में भी भाई पर्टिकुलर ये कैबिन में जाओ वहाँ काम होगा तुम्हारा, ओके होते हैं ना सामान्य और से थोड़ा अच्छा। ओके चलो सो वो हंसते हंसते गया, ओके लाफिंग हार्टिली मतलब एकदम दिल खोल के हंसते 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 गया, किसके पास, मैनेजर के पास, लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम, किसके पास, हिज बॉस मतलब मैनेजर के पास, पोस्ट ऑफिस का जो मैनेजर होगा, पोस्ट मास्टर जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोस्ट मास्टर, उनके पास गए, ये लेते लेते हंसते हंसते गए एंड दिखाया, ये देखो भाई अब तो लोग ये भी करने लगे, भगवान को भी लेटर लिखने लगे, ऐसे हंसते हंसते गया। नेवर इन हिज करियर As a postman, had he known that address? तो बोले उसका पूरा करियर चला गया as a postman, लेकिन कभी उसने ये एड्रेस नहीं देखा था, कौन सा, गॉड का तो ये भेजे तो कहां भेजे, गॉड लिखा हुआ है। The postmaster मतलब कौन, उसका बॉस, वो जो लेके गया उसका बॉस, मैनेजर बोल दो या postmaster। The postmaster, a fat, amiable मतलब ऐसे हसमुख, okay, friendly and pleasant. एमिएबल याद रखना, एमिएबल मतलब क्या, हसमुख, फ्रेंडली, ओके हंसता रहता है, और नहीं होते वैसे बोलते हैं कि जो मोटे लोग हो ना वो थोड़े हसमुख जैसे ही होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, उन भोले होते हैं, इन शॉर्ट भोले होते हैं, ओके जरूरी नहीं है लेकिन ऐसा बोलते हैं, ओके क्यों ऐसा बोलते हैं कि वो इतने फ्रेंडली है, हसमुख है, इसीलिए थोड़ा भी कुछ टेंशन वेंशन नहीं, इसलिए शायद वेट बढ़ गया है, वो सही रीजन नहीं है, वेट बढ़ने के और बहुत सारे रीजन है, ऐसे बोलते हैं लोग, ओके जो भी बोल रहे हो लेकिन ये सब तुम्हें याद रह जाए इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एमिएबल मतलब क्या, प्लेजेंट एंड फ्रेंडली मतलब हंसमुख रहते हैं, खुश मिजाज जिसे बोलते हैं, हमेशा खुश ऐसे ही रहते हैं, उनको ज्यादा ऐसे टेंशन में देखा हो ऐसे ऐसे नहीं देखा हो, ओके वो हमेशा ऐसे बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेते, ओके सो कौन, एमिएबल, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, एमिएबल कौन था, पोस्टमास्टर था, ओके हाँ सो एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, मतलब जब पोस्टमास्टर ने पढ़ा ओके वो भी ब्रोक आउट मतलब उसकी भी हंसी छूट गई, ब्रोक आउट मतलब छूट जाना, ओके तो उसकी भी हंसी छूट गई, हंस रहा है वो, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली हंसेगा फिर अचानक से इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, हंसा पहले तो हंसे फिर सोचा नहीं यार ये किसी की फीलिंग है यार, भगवान को लेटर लिखा, कुछ उसके साथ बहुत बुरा हुआ होगा शायद तभी तो लिखा, ओके खुशी में कहां कोई भगवान को याद करता है,
तो करते हैं ऐसा नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग दुख में याद करते हैं। ओके, खुश हो तब भी याद करो, तो ज्यादातर तो दुख में याद करते हैं, तो ये कैसे दुखी होगा ऐसे। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। ओके, तो अचानक से वो हंसा और अचानक से सीरियस हो गया और सीरियस होके टैप कर रहा है। टैप कर रहा है मतलब थपथपाना, ऐसे 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 टैप करना। ओके, जैसे हम शाबाशी देते हैं, टैप ऑन दी हेड, हम किसी को ऐसे प्रणाम करे तो ऐसे ओके बेटा, ऐसे तो ये टैप करते हैं ना, उसे ये करते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, टैपिंग। ओके, सो टैप कर रहे थे, क्या लेटर से टैप कर रहे थे ऐसे, क्या टैप कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, कमेंटेड। व्हाट अ फेथ, देखो व्हाट अ फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। देखो ये लेटर को भी मैं, ये सेंटेंस को भी मैंने मार्क किया है, क्या देखो ये अंदर कितना वैसे ऐसे ऐसे तुम्हारे घुसबम्ब आ जाएंगे, क्या बोल रहा है अगर इसको फील करो तो। वो पहला एक सेंटेंस था ओके, कि भाई नो वन डाइज हंग्री, एक होप तो हमेशा बाकी रहेगी, हेल्प फ्रॉम दी गॉड। ये मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क किया है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से ओके। लेकिन देखो क्या वो पोस्टमास्टर क्या बोल रहा है, आई विश आई हैव द फेथ इन गॉड लाइक दिस मैन, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास भी शायद भगवान के ऊपर इतनी श्रद्धा होती, इतना विश्वास होता जितना इस आदमी के पास है, वैसे विश कर रहा है। क्यों, जितनी हमारी बुद्धि बढ़ती जाती है ना, जितने लॉजिकल हम बढ़ते जाते हैं ना, तो वो लोग के अंदर ईगो आके फिर हम वही, जैसे पहले मैंने तुम्हें बताया स्टोरी में ओके, वो ईगो आ जाता है ना, तो हम ही सब कर सकते हैं और भगवान पे फिर विश्वास, इसलिए अभी बोला ना, फिर पहले तो सबको बताया कि सबकी बुद्धि बल पे विश्वास है, तो द्रौपदी जी ने सबको बोला कि बचा लो भीष्म पितामह, सबको बोला, कहीं से नहीं आया, फिर लास्ट में भगवान कुछ नहीं होने वाला, आप ही बचा लो। ओके, तो इस यही बात बोल रहे हैं कि अगर मतलब आई विश मेरे पास भी ऐसा फेथ होता भगवान, भगवान में फेथ होना भी ऐसा कुछ छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, एक ही भरोसे पे तो हम चल सकते हैं। ओके, भगवान के ऊपर भरोसा है। सोचो कई लोग बीमार है, दवाई नहीं खा रहे, चल रहा है बस लाइफ। ओके, क्यों, भगवान के ऊपर भरोसा, कुछ भी हो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, गोपाल देख लेंगे, भोले देख लेंगे। ओके, छोड़ दिया ना, उसको कोई ना कोई ऐसे संभालने वाला मिल जाता है, और जो बोलता है ना नहीं मैं कर लूंगा, देखो कॉन्फिडेंस होना एक अलग बात है, ईगोइस्टिक होना एक अलग बात है, ईगो नहीं लाना है, भगवान की कृपा से मैं कर लूंगा, इट्स ऐसा मैं कर लूंगा बोलना है, ठीक है आगे लगा लो आगे थोड़ा, भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से मैं कर लूंगा, मैं नहीं डरूंगी, तो उसमें ईगो नहीं है। क्यों, क्योंकि तुमने साथ में क्या बोला है, भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से, मतलब तुम्हें उनके ऊपर तो पूरा भरोसा है ही। ओके, सो ये बोल रहे हैं, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मेरे पास भी ऐसा होता। ओके, क्योंकि फेथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो मंदिर कौन जाता है, तीर्थ यात्रा कौन करता है, तीर्थ यात्रा करने में देखो कितना पैसा खर्च होता है, कितना समय खर्च होता है। ओके, कई लोगों को अभी देखे तो हम बोलते हैं, मतलब कई लोग ऐसे बोलते हैं, अरे यार यहाँ जाके पैसे क्यों खर्च करना, अरे ऑनलाइन मिल रहा है, ऑनलाइन दर्शन कर लो, ऐसे बोलते हैं ना। ओके, तो वो भी फेथ रखते हैं, लेकिन कहने का मीनिंग है कि तुम जैसा मानो वैसा होगा। ओके, वो तुम्हारा फीलिंग होना चाहिए। ऑनलाइन भी फिर तुम ऐसे प्रिपरेशन, मतलब ऐसे अगर तुम प्रिटेंड करो कि भाई सपोज तुम यहाँ से, सपोज केदारनाथ, तो केदारनाथ गए और तुम विजुलाइज कर रहे हो, तो ओके तुम्हें वो दर्शन मिलेंगे, वो जो मिलना चाहिए भगवान की तरफ से, वो सब कुछ आशीर्वाद मिल गए। अब तुम फोन में पर्टिकुलर, सपोज मोदी जी जा रहे हैं केदारनाथ, ओके वो वीडियो आ रहा है अंदर, वो केदारनाथ बाबा की पूजा कर रहे हैं, वो भी अंदर फोन में दिख रहा है, और तुम सिर्फ ऐसे कोई नॉर्मल वीडियो देख रहे हो, वैसे ही वीडियो देख रहे हो, तो वो तुम वीडियो देख रहे हो, दर्शन नहीं कर रहे हो, और अगर दर्शन कर रहे हो, तुम बोल रहे हो, सच में मान रहे हो, तो ऐसे भगवान ऐसे प्रणाम कर रहे हो, मतलब तुम खुद इतने अंदर घुस गए, इतने घुस गए कि तुम्हें ऐसे लग रहा है कि मैं ही मंदिर में बैठा हूं, मैं ही पूजा कर रहा हूं, वो फील आ गया, तो तुम्हारा काम हो गया, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं, यहीं से काम हो गया तुम्हारा।
और अगर वो फीलिंग नहीं है तो तुम वहां चले गए तो भी कुछ नहीं होगा। क्यों? फीलिंग तो आई नहीं तुम्हारी, भगवान ने भगवान से मिलने की फीलिंग आई, बाहर निकल के पकौड़ी खा रहे हो। पकौड़ी खाने गए थे वहां पर इतने दूर, घर के पास खा लेते। ओके, वो फीलिंग आनी चाहिए, वो फीलिंग नहीं आई। और यहां पर बैठे बैठे भले ही पकौड़ी खाते खाते, ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहां पर है? ओके, वो पूरा का पूरा ध्यान अगर तुम्हारा वहां है, तुम ऐसे बोलो कि अच्छा चलो मैं ही मंदिर में बैठी हूँ, बैठा हूँ और मैं ही पूजा कर रहा हूँ। सपोज टीवी में जो हम देख रहे हैं कि ये टेम्पल है और तुम टेम्पल के अंदर बैठे हो और भगवान के दर्शन कर रहे हो, वैसे तुम विजुअलाइज करो, वैसा हो जाएगा। वो फीलिंग मिल गया तुम्हें, जो मिलना चाहिए आशीर्वाद वो मिल गया। और अगर वो तुम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो गॉड से, तो वहां गए तो भी ऐसे ऐसे देख रहे हैं, किसी को पूछे अरे मंदिर में क्या देखा तुमने, ये भगवान की मूर्ति थी पता है आसपास? नहीं यार वो तो नहीं देखी, कहीं दिखी नहीं। तो कैसे दिखेगी, ध्यान ही नहीं था तुम्हारा। तो इट्स ऑल अबाउट हमारी फाइव सेंसेस कहाँ काम कर रही है। ओके, सपोज तुम घर में भगवान है, ओके घर में हम भगवान है और घर में गोपाल जी है, घर में गोपाल जी को जय, और कहीं पे गए द्वारका गए, डाकोर गए, भाई वो अलग नहीं है, वो है वही घर में है। अभी तुम ऐसे डिफरेंस रखोगे तो काम नहीं बनेगा, डिफरेंस नहीं रखना है। वो जो है वही घर में है और जो घर में है वही वही है, दोनों एक ही है। हाँ घर के गोपाल ठीक है, छोटे ठाकुर ओ बड़े ठाकुर, अरे छोटे बड़े नहीं वही है। ये हमारी बुद्धि अगर ऐसी चली तो फिर छोटा आशीर्वाद और बड़ा आशीर्वाद ऐसे हो जाएगा। ओके, एक ही है जो द्वारका में है, जो डाकोर में है, तो वही घर में भी है, वही घर के बाहर वाले मंदिर में भी वही है, सब जगह वही है, वो फीलिंग रखनी पड़ेगी। तो हम घर पे कभी पूजा दर 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 किया और कई पर्टिकुलर जगह इतनी श्रद्धा से ऐसे किया, तो मतलब घर में तुम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, वो भगवान नहीं मान रहे, मतलब तुम वो भी भगवान है, वो डिफरेंस कभी नहीं करना, सेम ही है। ओके, और वो दोनों अगर सेम है फिर एक लेवल आगे का आता है कि सब में भगवान है और हमारे अंदर जो है वो भी वही है, वो नेक्स्ट लेवल। पहले ये लेवल क्लियर हो जाना चाहिए, सब कुछ सेम है। जितनी श्रद्धा से हम बाहर जाके मंदिर में जाके पूजा करते हैं, कि जितनी श्रद्धा से हम तीर्थ स्थान पर जाकर पूजा करते हैं, उतनी ही श्रद्धा से हमारे घर में भी पूजा करनी चाहिए। तो फिर तुम अगर बोलो कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे भगवान तो मेरे पास है, तो हाँ है। क्यों? क्योंकि तुम मान रहे हो कि तुम्हारे भगवान तुम्हारे पास है। ओके, तब है। और फिर लास्ट में मेरे अंदर ही है भाई। ओके, और फिर तब तुम ऐसे बोलो कि मैं ही हूं, तो भी इगोइस्टिक होके नहीं, ये बॉडी ही नहीं, ये सब स्पिरिचुअलिटी की बातें हैं, तो शायद फिर वो डायलॉग बाजी नहीं है, वो मूवीज में आ जाए वैसे डायलॉग नहीं मानना है, मैं ही भगवान हूँ, तो कहाँ का क्या क्या बोल, डायलॉग बाजी की बात है, स्पिरिचुअलिटी की बात है। चलो तो ये विश कर रहे हैं कौन, पोस्टमार्टम, यार मुझे भी ऐसा फेथ होता, मजा आ जाती भगवान में फेथ होता ऐसे। अब क्या किया, स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डिंग विद गॉड। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब तो गॉड के साथ बातचीत कर रहे हैं भाई, इसकी श्रद्धा देखो कितना बढ़िया है, मेरे पास भी शायद ऐसा होता। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब बातचीत। ओके, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। तो अभी ये देखो ये कितना भला आदमी है पोस्ट मास्टर, कि ये बंदे का भगवान में से विश्वास ना उठ जाए, इसके लिए उसने क्या, चलो इसकी हेल्प करते हैं। ओके, सो पोस्ट मास्टर ने हेल्प करने का डिसाइड किया, बट वेन ही ओपन इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन द गुडविल, इंक एंड पेपर। तो क्या बोल रहे हैं कि उसकी हेल्प करने का तो सोचा इसलिए तो खोला। ओके, अब जब पढ़ा तो फील हुआ कि भाई सिर्फ और सिर्फ गुडविल, मतलब इंसानियत के तौर पे जो अच्छा वो भला आदमी था, तो हेल्प करने का तो सोचा, लेकिन सिर्फ हेल्प करने का सोचने से कुछ नहीं होगा, कुछ और भी चाहिए होगा। वो पढ़ के उसको ऐसा लगा, क्या कुछ और चाहिए होगा? पहली बात तो इंक एंड पेपर, कि भाई इसको रिप्लाई करना पड़ेगा, रिप्लाई करने के लिए मुझे उसको लेटर लिखना पड़ेगा, और क्या चाहिए मुझे लिखने के लिए, इंक एंड पेपर। ओके, सो इंक एंड पेपर, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन।
इंक एंड पेपर एट द सेम टाइम एक और चीज चाहिए जो बुक में लिखी नहीं है क्या? 100 पैसों आंसर में तो भगवान देंगे ही ना. सो बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन. तो अब वो अपने रिजोल्यूशन कौन पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया था नहीं इसकी हेल्प करनी है, इसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए भगवान में, तो वो अपने विश्वास पर रिजोल्यूशन पर अड़ग है. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज. तो उसने क्या किया पोस्ट मास्टर ने, अपने ही एम्प्लॉइज लाओ रे सब लोग थोड़े थोड़े पैसे लाओ, ये बेचारे भले आदमी की हेल्प कर देते हैं. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का भी थोड़ा पार्ट उसे दे दिया. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. ओके, तो उनके फ्रेंड्स जो थे पोस्ट मास्टर के वो भी खुश हुए, ऑब्लाइज ओके, तो वो भी खुश हुए किस मतलब क्यों, विथ रिस्पेक्ट के भाई ये एक चैरिटी का, एक दान पुण्य का काम कर रहे हैं. चैरिटी मतलब दान पुण्य, ओके, पुण्य मतलब दान है, चैरिटी मतलब दान, तो ये काम करके वो भी खुश हुए. कौन? उसके फ्रेंड और सारी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज. ओके, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पैसों. भाई उसके लिए 100 पैसों इकट्ठा करना तो मुश्किल था, ओके, इम्पॉसिबल जैसा ही था. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन द हाफ. तो वो कितने सेंड किए फार्मर को? लिटल मोर देन हाफ, 100 के हाफ 50, 50 से थोड़े ज्यादा मतलब 70 पैसों. डन ओके, तो वो 100 तो नहीं दे पा रहे थे, अपनी सैलरी दी, एम्प्लॉयज का थोड़ा कंट्रीब्यूशन, फ्रेंड्स का, सबका, लेकिन 100 तो नहीं होंगे. ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, अ सिग्नेचर, गॉड. तो कुछ भी नहीं लिखा एनवेलप में, पेपर डाले, एनवेलप में पैसे डाले, एनवेलप में पैसे डाले मतलब 70 पैसों डाले और बंद किया एनवेलप, और कुछ नहीं लिखा, सिर्फ अपना सिग्नेचर किया, और सिग्नेचर के तौर पे क्या किया, सिर्फ लिखा गॉड, दैट्स इट. समझ में आया ये पार्ट? सिंपल है ओके. चलो आगे का देखते हैं. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फ्रॉम हिम. अभी अगले संडे क्या हुआ, लेंचो आ गया पोस्ट ऑफिस पर, अरे मेरे लिए कोई लेटर आया है क्या, लास्ट संडे में लिख कर गया था ऐसे. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो क्या है, वो पोस्टमैन जो लेकर हंसता हंसता पोस्टमास्टर के पास आया था, वो खुद वो एनवेलप जाकर वो फार्मर को, लेंचो को दे रहा है, और ये सारा सीन पोस्टमास्टर अंदर से बैठे हुए छुपके से देख रहा है, और उस वो जब देख रहा है उसके अंदर एक कंटेंटमेंट है, मतलब एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग है ओके, कि यार मैंने कुछ अच्छा किया, ऐसे उसकी हेल्प की. तो वो तो वहां नहीं है देने के टाइम पे, लेकिन जब देख रहा है चलो यार मेरी मेहनत जो है हम सबकी मेहनत है ओके, मैंने कुछ अच्छा किया, एक भले आदमी का विश्वास नहीं तोड़ा भगवान पे से. So, contentment मतलब क्या, सेटिस्फेक्शन की फीलिंग ओके. चलो, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट ऑफ सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस देखो, हमने भगवान को लेटर लिखा और आ गया लेटर का रिप्लाई, तो हम भगवान का लेटर आ गया ये वो, क्यों इतना खुश क्यों हुए, क्योंकि हमें लगा था ये रिप्लाई विप्लाई आने वाला नहीं है. वो भगवान के पास लेटर आया, बहुत खुश हो गए. वो क्यों? क्योंकि अंदर से तो हम मानते हैं ये रिप्लाई कुछ आएगा नहीं, लेकिन ये भाई को थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुआ, थोड़ा भी नहीं, नॉट द स्लाइटेस्ट ऑफ सरप्राइज, थोड़ा सरप्राइज ही नहीं हुआ, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. पक्का ही था भाई रिप्लाई आएगा, मेरे भगवान है मेरे लिए भेजेंगे ही रिप्लाई. देखो कॉन्फिडेंस, उसका फेथ देखो ओके, उसका कॉन्फिडेंस आएगा ही रिप्लाई, मेरे भगवान है ऐसे कैसे नहीं भेजते, ऐसे लाइक दैट. इसलिए पोस्टमास्टर ने पहले ही बोला था सच अ फेथ इन गॉड, आई विश आई हैड द फेथ लाइक दिस लेंचो फार्मर. ओके, समझ में आ रहा है. अच्छा, सो बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. भाई कॉन्फिडेंस तो एकदम ऊपर था, पता ही था हाँ रिप्लाई तो आएगा, तो उसको कोई ऐसे ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ, मेरे भगवान ने मैंने मांगा तो दिया ठीक है, लेकिन जब पैसे गिनो ना तो उसे गुस्सा हो गया,
क्यों गुस्सा हो गया? गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक. गुस्सा क्यों हो गया? ऑब्वियसली हमें तो पता ही है गुस्सा क्यों हो गया. क्यों? मांगे थे 100 pesos, आए हैं 70 pesos, तो गुस्सा हो गया. अब वापस देखो उसका फेथ, देखो कितना बड़ा फेथ है. भगवान से तो गलती होगी नहीं. भगवान से तो गलती होगी नहीं, फेथ अभी भी काम कर रहा है. देखो नहीं तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? हम ये सोचते हैं कुछ गलत हो जाए. अरे यार मैंने क्या किया था यार, भगवान ने मेरे साथ क्यों ऐसा किया? मैंने तो सब कुछ सही किया था, भगवान ने मेरे साथ क्यों ऐसा किया? इन सबको तो ये मिला, मुझे क्यों ये नहीं मिला? हम क्वेश्चन करने लगते हैं गॉड को. लेकिन ये सेंटेंस अगेन अंडरलाइन करने जैसा सेंटेंस है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक. भगवान तो गलती कर नहीं सकते, तो भगवान ने अगर मुझे ये दिया है तो ये सही, वैसा हमें मानना चाहिए. ओके, बोलते हैं ना एक बहुत ही बढ़िया सेंटेंस, एक छोटा सा सेंटेंस, हमारे साथ कुछ भी हो, सपोज तुम शिव जी को मानते हो, कृष्ण जी को मानते हो, कोई भी भगवान में मानते हो, ओके बहुत अच्छा हुआ, हमारी विश के अकॉर्डिंगली हुआ, जैसे शिव जी की मर्जी ऐसे. बुरा हुआ, हम जो सोच रहे थे उससे उल्टा हुआ, जैसे शिव जी की मर्जी, बस वही है. अगर तुम बोलो जैसे शिव जी की इच्छा, तो भाई अगर अच्छा हुआ, शिव जी भी चाह रहे हैं कि तुम्हारा अच्छा हो, और अगर कुछ बुरा हुआ जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो भी तुम बोलो जैसे शिव जी की इच्छा. मतलब सुन, सोचो शिव जी की इच्छा है यार, तो छोटी मोटी थोड़ी होगी, उसमें हमारे लिए कुछ अच्छा छिपा होगा. ओके, तो वहां पर भी जैसे शिव जी की इच्छा, और उसको पास करो. हम गाड़ी चला रहे हो और अचानक से बम्प आ गया, अरे यार कितना फास्ट जा रहा था और बीच में ये बम्प आ गया. वो बम्प इसलिए आता है कि शायद आगे जाके एक्सीडेंट होने वाला है, आगे स्कूल है, बच्चे लोग भाग रहे हैं और हमारी गाड़ी ऐसे वैसे होती, एक्सीडेंट हो जाता, हमें कुछ हो जाता, सामने वाले को कुछ हो जाता, तो वो ना हो इसीलिए बम्प आया है. तो स्पीड हमारी टूट गई, तो हम यार ये पूरी स्पीड तोड़ डाली, कितने अच्छे से फास्ट में जा रहे थे. बट भगवान जब ब्रेक लगाते हैं तो वो अच्छे के लिए है. रोड पे बम्प की जो ब्रेक है वो अच्छे के लिए है. वैसे भगवान भी हमने जो चाहा और वो नहीं मिला, तो वो अच्छे के लिए, वो अच्छा हमें दिख नहीं रहा ना, इसलिए हम क्वेश्चन कर देते हैं. लेकिन लेंचो को याद रखना बोर्ड में भी और लाइफ में भी. ओके, देखो कि गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. लेकिन नॉर कुड ही हैव डिनाइड, ओके, तो मतलब कि गॉड मिस्टेक तो कर ही नहीं सकते और वो डिनाई भी नहीं कर सकते. मना, डिनाई करना मतलब मना करना, तो नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. मतलब लेंचो उनका भक्त है भाई, तो मैं मांगू और भगवान ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता. देखो ये कॉन्फिडेंस देखो, पहला वो गलती नहीं कर सकते, और दूसरा मैं मांगू और वो ना दे, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा कॉन्फिडेंस. ओके, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. फिर से गया विंडो के पास, ए भाई पेपर दो, इंक दो, दो पेन दो. तो अच्छा, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल होता है एक, वहां पर गए. ही स्टार्टेड टू राइट विथ अ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो. ओके, ब्रो मतलब आई ब्रो. ओके, तो बहुत गुस्से में था ना वो, ऐसे गुस्से में वो लिख रहा है दूसरा लेटर. कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक, तो मतलब उसके एफर्ट्स है, क्या क्या उसको प्रूव क्या करना है, टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज. मतलब उसको जैसे हम कुछ सोच रहे हैं, क्या लिखूं, गुस्से में भी ऐसा होता है और कुछ सोच रहे होते हैं, तब ये आईब्रोज बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करते हैं, तो वो बोल रहा है. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed. तो भाई स्टैम्प विंडो के पास गए, स्टैम्प मांगा. लिक्ड मतलब ऐसे ऐसे करके हम नहीं लगाते, हमारा जो सलाइवा है वो ऐसे ऐसे करके ऐसे लगाते हैं ना, क्यों, उसके ऊपर थोड़ा गम तो ऑलरेडी होता है स्टैम्प के ऊपर, टिकट के ऊपर, और जो हमारा सलाइवा उसके साथ इकट्ठा होता है. अभी सलाइवा जरूरी नहीं है, तुम एक वाटर ड्रॉपलेट डाल दोगे तो भी चलेगा, लेकिन कौन ऐसी मेहनत करे, तो हम लोग ऐसे. ओके, सो लिक्ड करना, मतलब लिक का मीनिंग होता है वैसे तो चाटना. ओके, लिक का मीनिंग क्या होता है, चाटना. तो लिक किया और फिर एफिक्स कर दिया, किसको एफिक्स कर दिया, स्टैम्प को. यस, तो देखो आप ये रहा लेंचो का भाई फेस, दिखते हैं हमें हीरो की एंट्री हो गई है लास्ट में. ओके, सो द एनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. ओके, तो लिक किया, स्टैंप लगाया और एनवेलप के ऊपर
मारा, ओके। फिस्ट मतलब मुट्ठी, ये जो हमारी मुट्ठी है उसको क्या बोलते हैं, फिस्ट। हमारा हार्ट कितना होता है, हमारे लेफ्ट हैंड के फिस्ट जितना। तुम्हारा लेफ्ट हैंड देखो और मुट्ठी बंद करो, जितना तुम्हें शेप दिखाई दे रहा है उतना हार्ट अंदर है। छोटे होते हैं तो छोटा होता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं मुट्ठी बड़ी होती है, वैसे वैसे हार्ट भी बड़ा होता है। एक टाइम तक बड़ा होता है, फिर बड़ा नहीं होता रहता। ओके चलो, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही वो मेल बॉक्स में वो लेटर डाला, अभी क्यूरियोसिटी थी पोस्टमास्टर को, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, भाई ये थैंक यू बोल रहा होगा, अरे थैंक यू वेरी मच, ये वो, ओके। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जल्दबाजी से ऐसे गए, ओके। जैसे कि भाई हम कुछ मेहनत कर दे, हम कुछ अच्छा काम करें तो हमें कहते, ओ भाई फोटो खींचो, हाँ ये वो। अभी के टाइम पे तो कैसे, अगर चैरिटी की तो भी ऐसा प्रॉब्लम, हमने इतने पैसे दिए ये वो, अंदर से वो थोड़ी थोड़ी हमें खुशी मिलती है। एक्चुअली वो खुशी नहीं होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में बोला गया है, दान ऐसे करो कि राइट हैंड से करो ना, तो लेफ्ट हैंड को भी पता ना चले, ऐसे दान करना है। और हम कैसे दान करते हैं, कितना ये चिराग विनोद भाई मिस्त्री भरूच चित्रकूट सोसाइटी इतने रुपए दिए, अरे कई लोग तो ऐसे टाइल्स लगा देते हैं टेम्पल में, ओके। कई टेम्पल में होता है ऐसे टाइल्स, क्यों, अभी हम लगा रहे हैं, उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में जो दान का महिमा बताया गया है, चैरिटी का महिमा बताया गया है, वो ऐसे है कि हमें उसका ईगो नहीं आना चाहिए कि भाई मैंने इतना दान किया, ओके। वो ईगो ना आए उसके लिए क्या है ये, फिर तुम तो जब भी मंदिर में जाओगे, ये देखो हाँ कोई तुम्हारे पहचान, ये हमने यहाँ पे ये जो कपबोर्ड है वो हमने दिया था 10 साल पहले, वो तुम्हारा ईगो बढ़ रहा है, ओके। हम ये चैरिटी और वो सब क्यों कर रहे हैं, हम भगवान के नज़दीक जाए, और अगर हमारे अंदर ईगो होगा ना तो भगवान के नज़दीक नहीं जाएंगे, दूर जाएंगे, वो ईगो नहीं आना चाहिए। भले ही तुम करो, जितना करना है उतना करो, बट ईगो नहीं आना चाहिए। और भले ही तुम्हारी इच्छा नहीं है, ट्रस्टियों ने ऐसे टाइल्स लगवा दी, ट्रस्टियों बोल रहे नहीं नाम तो लिखवाना पड़ेगा, ठीक है लिखवा दो, अपने मुंह से कभी बोलना मत मैंने ये किया मैंने ये किया ये वो। लोग अगर कर रहे हैं, लोग अगर तुम्हें कंधों पे उठा के वाह वाह कर रहे हैं, तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं, वो ठीक है, तुम एक्सपेक्ट मत करो कि लोग तुम्हें कंधे पे उठाएंगे, तुम्हारी वाह वाह करेंगे, तुम्हें पूजेंगे, तुम एक्सपेक्ट मत करो। फिर जो चाहे, जो फिर हो रहा है, अगेन शिव जी की इच्छा, वो शिव जी की इच्छा है कि तुम्हें भाई इतना करे तो होने दो ना भाई, भगवान की इच्छा है, बट तुम एक्सपेक्ट मत करो कि मुझे ये सब मिले, ओके। सो क्या हुआ आगे, इट सेड, क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर द ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी। तो ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया, कितने पैसे आए थे, 70 पैसोस। सो जो आपने पैसे भेजे थे भगवान, उसके सिर्फ 70 पैसोस ही मुझे मिले हैं, ओके। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे भेजो भगवान, ये क्या, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल बॉक्स, मेल, ओके। लेकिन अब ये मेल थ्रू एनवेलोप थ्रू पोस्ट ऑफिस थ्रू मुझे पैसे मत भेजना, कोई और तरीके से भगवान पैसे भेजना। क्यों, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स एंड देन लेंचो लिख दिया, मतलब क्या। यहाँ पे सरप्राइज है चैप्टर का, कि आप यार ये पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, मेल से मत भेजना, कोई और तरीके से भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज जो है दे आर बंच ऑफ क्रूक्स, ओके, चंट टाइप के लोग हैं, ओके। सो मतलब ऐसे गंदे लोग हैं। क्यों गंदे लोग हैं, उसने क्या सोचा, क्या थॉट आया, कि भगवान तो गलती कर नहीं सकते, मतलब 100 मांगे थे और 70 आए, ये 30 ये चंट लोग ने ही ले लिए। ये 30 पैसों इन लोगों ने ऐसे अपने पॉकेट में डाल दिए। अब सोचो क्या करे, कलयुग है, भलाई का जमाना नहीं रहा, बोलते हैं ना कि जिनकी वजह से ये 70 पैसों उनके पास पहुंचे हैं, वो उन लोग ने अपनी सैलरी अपना पार्ट दिया और लेंचो, लेकिन यहाँ पे देखो लेंचो में भी गलती नहीं है, क्योंकि उसके माइंड में तो क्लियर है भगवान तो गलती कर नहीं सकते, ओके, और जो मैं मांगूंगा वो तो देंगे, तो हम लेंचो की भी गलती नहीं बोल रहे, लेकिन सिचुएशन कैसी क्रिएट हो रही है वो देखो, ओके, कि जिसने हेल्प की उसी को गाली पड़ रही है, ओके, जिसने हेल्प की उसी को गाली पड़ रही है, बंच ऑफ क्रूक्स, चंट है तुम, सारे के सारे चंट है ऐसे,
ओके, चंट मीनिंग नहीं होता, क्रूक्स मतलब वही मीनिंग समझो, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बट उसकी भावना समझो, नॉट ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेशन नहीं। ओके, तो कहने का मीनिंग क्या है, यहाँ पे ही स्टोरी एंड हो जाती है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे इंग्लिश के दोनों बुक्स की। यहाँ पर तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स ये बुक में तो थोड़ी थोड़ी देखने को मिलेगी, लेकिन सेकंड बुक में तो ऐसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब क्या, ऐसे ही मूवी चल रही है और अचानक से चैप्टर खत्म, अचानक से तुम सोचते ही रह जाओगे, ओ भाई क्या हुआ, आगे क्या हुआ वो तो बताओ, ये क्या खत्म कर दिया, खत्म। ओके, तो आगे का क्या, आगे का हम सिर्फ सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा, ये वो तो सब लोग अपने हिसाब से सोचेंगे। कई कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं ओके बोर्ड में, क्या लग रहा है, गैस द फर्दर पार्ट ऑफ द स्टोरी, तो उसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होता। मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा ना तो तुम्हारी लॉटरी लग गई है, क्यों, उसमें तुम कुछ भी लिखो मार्क्स मिलने ही वाले हैं, क्योंकि सब लोग अपनी तरफ से अपनी तरह से सोचेंगे कि हाँ शायद वापस उन लोग ने 30 पैसे इकट्ठा करके दिए होंगे, या फिर उन्होंने पकड़ के उसको दी होगी कि पहले तो 70 पैसे दिए और तू हमें शुक्रिया करने की बजाय गालियां दे रहा है। ओके, तो लोग क्यों, अभी देने वाला आदमी ऐसे सोचेगा और ऐसे लिखेगा। ओके, और जिसको ये बहुत अच्छा और अच्छाई दिखानी है इवेल्युएटर के माइंड में, तो वो लोगों ने वापस 30 पैसे कैसे भी करके इकट्ठा किए और वापस उसको दिए। कुछ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी, लेकिन सेकंड बुक जो है हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, उसमें भी सारे चैप्टर्स मोस्टली 99% चैप्टर ऐसे हैं, अचानक से धम खत्म, क्या हुआ पता ही नहीं। ओके, तो यही, और यहाँ जैसे कैसे लास्ट में एक ट्विस्ट आया कि भाई एक्सपेक्ट करो तो क्या होगा, शुक्रिया किया होगा, थैंक्स किया होगा, यहाँ पर तो गालियां मिल रही है, तो एक ट्विस्ट है। ओके, वैसे ही सब चैप्टर में ऐसा ट्विस्ट गिवन है, और वो भी सेकंड बुक जो है हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें बहुत ज्यादा ट्विस्ट है, तो बहुत मजा आएगी पढ़ने में। लेकिन जब भी पढ़ो एकदम दिल से, जब पढ़ने का मन हो पूरा तब पढ़ना, ऐसे तो पढ़ते रहो, लास्ट पैराग्राफ छोड़ देना, क्योंकि ये ट्विस्ट है ना वो लास्ट पैरा में ही है, तो जब पहली बार पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। ओके, अंडरस्टूड, तो बढ़िया चैप्टर था। ओके, डे टू डे लाइफ के साथ रिलेट करने के लिए भी बहुत अच्छा चैप्टर था, एज वेल एज हमारा फर्स्ट चैप्टर, देखो कितना बढ़िया फर्स्ट चैप्टर रखा हुआ है, कि कितनी लर्निंग्स मिल रही है हमें। ओके, हमें लग रहा है, देखो मैंने बोला ना कि हम अगर कोई अच्छी चीज की डिजायर करते हैं तो कोई ना कोई तरफ से हेल्प मिल ही जाती है, तुम्हारा ट्रस्ट होना चाहिए। अभी गॉड में ट्रस्ट था, तो देखो ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने कैसे सब कुछ किया, ये कैसे जोक भी था क्या, एक बंदा है ना, शायद तुम लोग ने सुना हो कि एक बंदा समंदर में फंस गया, वो जाता है रोज समंदर में फिशिंग एक्टिविटी करने, ओके, फिशरीज का बिजनेस है उसका, तो वो जाता है मछली पकड़ता है और फिर बेचता है और कमाता है। एक बार गया ना, तूफान आ गया, ओके, तो भगवान में बहुत मानता था वो, तूफान आ गया अब तो खत्म ही होने वाला था, इतना खतरनाक तूफान, बोट बोट सब कुछ डूब जाता, तो भगवान को पूजा करने लगा, हे भगवान बचा लो बचा लो बचा लो, ऐसे पूजा कर, मतलब जाप कर रहा था, बहुत बहुत जाप कर रहा था, वहां तुम और कर भी क्या सकते हो, कुछ हाथ पैर नहीं हिला सकते, खत्म। ओके, तूफान है। ओके, तो बहुत दूर से एक बोट दिखी। ओके, तो वो बोट आई उसके पास, बोले ओ भाई क्या हुआ, फंसने वाले हो, आ जाओ इधर, ओके मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों साथ में रहेंगे, एटलीस्ट थोड़े सेफ रहेंगे। ओके, तो बोला अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे तो मेरे भगवान बचाएंगे, मैं भगवान का नाम लेता हूँ, तुम जाओ भाई। उसको थोड़ा डाउट भी था कि ये बोट मेरे जैसी तो है, इसमें क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा ऐसे, तो वो ऐसे नहीं नहीं भैया तुम जाओ, ओके मुझे तो मेरे भगवान बचाएंगे ऐसे। फिर थोड़ी देर बाद हुई ऐसे ऐसे ऐसे, फिर एक और उससे बड़ी बोट आई वहाँ पर, उससे बड़ी बोट आई। ओके, और उसको ओ भैया आ जाओ, चलो आ जाओ जल्दी, बहुत है, तो अभी भी वो नहीं नहीं भैया नहीं नहीं चलेगा चलेगा, अभी देखो ये सब कुछ सही चल रहा है, अभी थोड़ा बहुत ही तकलीफ है हो जाएगा, क्यों अंदर से भगवान मुझे बचाएंगे ऐसे था उसको, तो वो ऐसे नहीं 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 ना 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 ना। ओके, फिर उससे भी बड़ी बोट आई, स्टीमर बड़ी, जहाज आ गया। ओके, तो वो आया और ओ भाई चलो ये छोटी मोटी बोट तो डूब जाएगी, बहुत बड़ा तूफान है, वो भगवान का नाम ले रहा है और सब, बहुत बड़ा तूफान है, चलो 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 जल्दी आओ। तो बोले नहीं नहीं अब तो ये सब खत्म हो जाएगा, कब से चल रहा है, ठीक है मैं ठीक हूँ, उनको भी ना बोल दिया, वो जहाज भी चला गया और तूफान बढ़ गया और वो मर गया।
वो मर गया, अभी मर जाने के बाद ऊपर जाके बोल रहा है भगवान मुझे आपसे एक शिकायत है। क्या? तो बोले यार आप मुझे बचाने नहीं आए, मैं आपको पहले ये जन्म में कितनी भक्ति की और जब मुसीबत में था कितना भी कितनी ज्यादा आपको प्रे किए वो, तो आप मुझे बचाने नहीं आए। तो वो तीन लोगों को क्या तेरे पापा ने भेजा था? वो मैंने ही भेजे थे, वो तीन तीन बार तुझे बचाने के लिए आए थे वो, ओके तो तू आया नहीं। तो वो हमें समझ में आना चाहिए, लेंचो गॉड में ट्रस्ट था तो उनको बचाया किसने, उनको पैसे किसने दिए थे? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने, पोस्ट मास्टर ने पैसे दिए थे। तो ट्रस्ट तो भगवान में होना ही चाहिए। और अगर हम बहुत ज्यादा मतलब एकदम जितना प्योर होना चाहिए उतना प्योर है तो भगवान सामने आ जाएंगे। लेकिन तुम 99% प्योर हो तो भगवान, भगवान की हेल्प तो आएगी, आशीर्वाद आएंगे, भगवान सामने नहीं आएंगे, कोई और वे में तुम्हें हेल्प पहुंचा देंगे। क्यों? अभी हम 99 पे है, 100 पे आए तो भगवान के दर्शन होते हैं, ओके। तो एग्जैक्टली सामने कब आएंगे? हम 100% प्योर है। लेकिन तुम 90 पर भी हो, 80 पर भी हो, 99 पर भी हो तो भी भगवान की हेल्प तो आ ही जाएगी, ओके। तो ये सब हमें सीखने को मिलता है ये चैप्टर्स, ओके। तो जितनी भी हेल्प हुई उसमें भी अगर सोच लेते हाँ जैसी भगवान की इच्छा तो काम हो जाता, 70 पैसे स्मॉल अमाउंट नहीं है, ओके। और अभी भी शायद एम्प्लॉयज उसको भेज दे पैसे, लेकिन ये वर्डिंग यूज कर दिया बंच ऑफ क्रूक्स, अभी उन लोग को थोड़ा हेल्प करने में भी ऐसा या इतनी हेल्प की फिर भी गालियां मिल रही है, छोड़ो यार नहीं करते, ऐसा हो जाता है ना लोगों को, यार इतना कर रहे हैं फिर भी नहीं मिल रहा, छोड़ो यार अब नहीं करना है लाइक। एंड वो तो ये तो सब एग्जांपल्स थे, ओके ऐसा हो सकता है, अदरवाइज हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अंडरस्टूड? तो सारी ग्लॉसरी अच्छे से लिखना, ओके जो भी थोड़ी बहुत ग्लॉसरी है और जो एडिशनल भी मैंने ग्लॉसरी वर्ड्स बताए हैं वो सब भी अच्छे से याद रखना, ओके डन। तो ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं पर्टिकुलर तुम्हें नोट्स भेजूंगा, वो नोट्स में से तुम नोटबुक में वो क्वेश्चन आंसर लिख लेना, उसका फिर हम टेस्ट रखेंगे, ओके। और टेस्ट में वो क्वेश्चन आंसर एज वेल एज ग्लॉसरी भी होगी, और ग्लॉसरी में तुम्हें मीनिंग लिखना है सिर्फ कि इसका मीनिंग ये होता है, लेकिन क्वेश्चन के आंसर में ये सारे वर्ड्स, ये सारी ग्लॉसरी का यूज करना है, ओके। तो थोड़ा कॉन्शियस होके कि नहीं ये वर्ड यहाँ डाल देते हैं और सेंटेंस बना देते हैं, वैसे डालो तो वो प्रैक्टिस होगी, फिर वही चीज हो जाएगी वापस, वो जनवरी में भी मैं तुम्हें बताऊंगा, फिर वो प्रैक्टिस नहीं होगी तो होगा नहीं। अभी हम मतलब ऐसा समझो कि तुम्हें 2 किलोमीटर चलने की आदत है, तो 2 किलोमीटर चलने की आदत है और मुझे तुम्हें 10 किलोमीटर पर पहुंचाना है, तो मैं अब तुम्हें बोलूंगा तुम 2 किलोमीटर तो चल ही रहे हो, आज से 500 मीटर ज्यादा चलो। सो अब कितना चलोगे तुम? 2.5 किलोमीटर कंटिन्यूस, 2.5 किलोमीटर चलोगे। फिर थोड़े दिन बाद में बोलूंगा और 500 मीटर बढ़ाओ, तो 3 किलोमीटर तुम्हारी कैपेसिटी हो गई। वैसे करते करते हम 10 किलोमीटर तक पहुंच जाएंगे। और अब अगर तुमने ऐसा नहीं किया, मैं फिर जनवरी में मैंने तुम्हें बोला 2 किलोमीटर स्पीड है ना, अब 10 किलोमीटर चलना है तुम्हें, मतलब तुम्हें 2 किलोमीटर चल सकते हो ना, आज तुम्हें 10 किलोमीटर चलना है। सर ये तो नहीं होगा, बीमार हो जाओगे, सही में बीमार हो जाओगे, चलना हो तो भी और पढ़ना हो तो भी बीमार हो जाओगे। क्यों? बॉडी को आदत ही नहीं है, ब्रेन को बॉडी को आदत ही नहीं है इतना बैठने की, लोगों को बैठने की आदत नहीं होती। और अब 1 महीने बाद बोर्ड की एग्जाम है, पढ़ने का रिक्वायरमेंट है 8 आवर्स पर डे और 7 आवर्स पर डे, भाई 2 घंटे से ज्यादा तो बैठ नहीं पाते, इधर उधर कमर दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, पांव दर्द कर रहा है, क्या क्या दर्द कर रहा है, ओके। क्यों? बॉडी को हैबिट ही नहीं है। तो जैसे कि तुम्हें 2 किलोमीटर चलने की आदत है और अचानक से कोई तुम्हें 10 किलोमीटर बोले कि आज चलो, खुश हो जाओगे, नेक्स्ट डे स्कूल ट्यूशन सब कुछ हॉलीडे, गए बीमार। क्यों? भाई बॉडी को आदत होनी चाहिए ना, अब तुमने ज्यादा काम ले लिया तो वो रेस्ट ले लेगी बॉडी, तो हमें अचानक से शॉक भी नहीं देना बॉडी को, इसीलिए धीरे 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 बॉडी को ट्रेन करो, माइंड को बॉडी को ट्रेन करो कि नहीं मुझे 2 घंटे बैठना ही है एक चैप्टर में, एक सब्जेक्ट में सपोज थोड़ा बहुत बोर हो जा रहा है, सब्जेक्ट चेंज कर दो, टॉपिक चेंज कर दो, चैप्टर चेंज कर दो, मैथ्स कर रहे हैं अच्छा ठीक है, अब साइंस करो अच्छा ठीक है, अब इंग्लिश करो, लेकिन ये कैपेसिटी बढ़ाओ 2 घंटे से 3 घंटे, 3 घंटे से 4 घंटे,
ओके, फिर अचानक से तुम दिवाली के बाद सोचोगे आज से तो 5 घंटे पढ़ेंगे और डिस्ट्रिक्ट टॉप मार देंगे। भाई भले ही तुम्हें करना है लेकिन तुम्हारी बॉडी सपोर्ट ही नहीं करेगी। आदत होगी तो सपोर्ट करेगी ना, हमारी बॉडी को आदत नहीं है एक्सरसाइज करने की। और आज तुमने एक्सरसाइज कर ली है फुल जोश में, पूरा बॉडी दर्द करेगा, पूरा बॉडी दर्द करेगा। सो ऐसा ही है माइंड के साथ भी, अंडरस्टूड? तो धीरे धीरे हमें ट्रेन करना है हमारे माइंड बॉडी को, आराम से धीरे धीरे। अच्छा इतना हो रहा है, और थोड़ा ज्यादा, और थोड़ा ज्यादा, और थोड़ा ज्यादा, वैसे करके बढ़ाना है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी पोएम्स देखेंगे और फिर फर्दर स्टडी करेंगे। ओके।